बीजेपी डरी हुई है तो चुनाव नहीं होंगे, और अगर वे लोगों का सामना करने के लिए तैयार है तो चुनाव कराने की संभावनाएं हैं। जम्मू कश्मीर में के कुलगाम में चुनाव की मांग को लेकर के जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, उमर अब्दुल्ला ने पेपर लीक मामले पर भी हमला बोला भारत सरकार। उमर अब्दुल्ला को भारत सरकार से, भारत से कोई लेना देना नहीं है, वो इसी तरह के बात करेंगे जो उनके परिवार में सत्ता और सुविधा सिमटा रहे, कश्मीर का दुर्गति होते रहे, कश्मीर के लोग भागते रहें और उनका आधिपत्य रहे, इसलिए इस तरह के ओछी और छोटी बात करते हैं। बीजेपी किसी की आवाज़ नहीं रोक रही। 1975 में इमरजेंसी लगाकर आवाज़ पर बंद कर दी गई थी। राजनाथ सिंह राहुल गांधी पर साधा है निशान। निश्चित रूप से जो पार्टी स्वयं डिक्टेटर रह के लंबे समय तक भारत के नागरिकों के अधिकार को सीज किया, जिसने प्रेस को सेंसर लगाया, जिसने इमरजेंसी लगा के उनके मूल अधिकारों में कटौती किया, वो भारतीय जनता पार्टी पर, ये लोकतांत्रिक और विचार और मूल्यों पर चलने वाली पार्टी पर इस तरह का कोई बात नहीं कहा जा सकता है। बीजेपी पहली पार्टी है जो संसद को चलने से रोक रही है। राहुल गांधी को किस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए? पीएम मोदी ने जर्मनी और कोरिया में भारत के खिलाफ कई बातें कही, किससे माफी मांगनी चाहिए? पूरी दुनिया देख सकती है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने यह हमला बोला। अशोक गहलोत बोलना, अच्छा ये बताइए कि आप कल तक नरेंद्र मोदी से आपको नफरत था, अब जब नरेंद्र मोदी को जनता का समर्थन प्राप्त है तो आपको भारत से नफरत होने लगा, भारत के लोकतंत्र से नफरत होने लगा, और आप देशों में छोड़ के विदेशों में इसका दुष्प्रचार करने लगे हैं, जो निश्चित रूप से ये देशद्रोही जो देश के खिलाफ काम करता है, उस तरह के काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से रामायण को लेकर के राग लापना शुरू कर दिया है। उन्होंने उन्हीं पक्षियों को लेकर के योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी उसी सुंदरकांड का हिस्सा जिसका सरकार ने पाठ कराने का निर्णय लिया है, यानी सरकार यह निर्णय महिलाओं व शूद्र समाज को प्रताड़ित व अपमानित करने वाले 3% लोगों को बढ़ावा देने एवं 97% हिंदू समाज के भावनाओं को आहत करने वाला। वो सब हिंदू उन्हीं के साथ हो गया है, वो जो बोलते हैं वही हिंदू के प्रति है, और जो लोग हिंदू समझता नहीं वो रामचरितमानस वही का खाली पढ़े कि और वो लोग पढ़ा है, इसलिए सबको कोई काम नहीं है, कोई काम करके प्रभावित नहीं कर सकता है, जनता के उम्मीदों पर खड़ा उतरने वाले लोग नहीं है, तो इसी तरह के कटाक्ष किसी शब्दों पर, किसी लाइन पंक्ति पर बोल के अपना भड़ास मिटाते हैं। आ जाने दीजिए चुनाव, पता चल जाएगा कि कहाँ हैं और कहाँ जाएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में शराब खरीदने वालों पर गाय उपकर लगाया है। शुक्रवार को वहां के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह घोषणा की है कि राज्य के बजट के अनुसार इस कदम का उद्देश्य प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करना है। राजस्व उत्पन्न करने के लिए अगर इस तरह का स्कीम लगाते हैं तो यह देश के लिए, राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। वेलफेयर स्टेट है और वेलफेयर में काम करना चाहिए।